हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो भी कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआईए की तैयारी कर रहा है या फिर आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहा है, उन सभी कैंडिडेट के लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट वन है। तो जो भी कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई या फिर आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसको मैं पहले तो हिंदी में कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल जो है वो गर्म पंथियों और नरम पंथियों में विभाजित हो गया था। तो कौन सा सेशन था जिसमें कांग्रेस जो है दो भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में। तो वो सेशन था कौन सा आपका, सूरत अधिवेशन में, यानी कि सूरत जो सेशन हुआ था, और ये कब हुआ था, जो सूरत सेशन है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1907 में। सूरत सेशन कहाँ पर कब हुआ था, 1907 में हुआ था। तो और ये किस नदी के किनारे वो हुआ था, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे 1907 में सूरत सेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में जो है वो बट गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकोषीय घाटा बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि मस्तिष्क का वह भाग जिसे मेरुरज्जु की उत्पत्ति होती है उसे डैश कहते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच फ्रॉम विच स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट, जहाँ से मेरुरज्जु निकलता है, यानी कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जहाँ से निकलती है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हमारे पास मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस चट्टान की परतों में खनिजों का निक्षेपण एवं संचयन होता है। मिनरल्स आर डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो निम्नलिखित में से किस चट्टान की परतों में खनिजों का निक्षेपण और एवं संचयन होता है। तो ये होता है आपके पास अवसादी चट्टानों में, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है। द कंसेप्ट ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो यानी कि कानूनों की समान संरक्षण, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, अमेरिकी जो संविधान है यानी कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। क्या लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर फोर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चोलों के शासनकाल के दौरान किस विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोलाज द लैंड गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल वॉज नोन एज। तो चोला शासन काल था उसके दौरान किसी विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था शाला भोग, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, शाला भोग इसे कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि सरिस्का और रणथंबोर अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का और रणथंबोर आर फेमस रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो ये फेमस है किसके लिए, बाघ के लिए यानी कि टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपके पास, एनडीपी की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है, यानी कि आपका एनडीपी का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एनडीपी मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनडीपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो है वो सही है। तो एनडीपी क्या होता है, एनडीपी होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस में मूल्यह्रास, यानी कि आपका डेप्रिसिएशन जो होता है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनडीपी आ जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 20 होती है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है। तो वो कौन सा होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, हमारे पास 20 होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 10 अप्रैल 2023 को सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी पर एक मसौदा जारी किया। सागरमाला कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था।
सागरमाला जो कार्यक्रम है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? ये हुआ था 2015 में शुरू किया गया था सागरमाला कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से भी इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आती है। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके आती है, आपका जीएस आती है, और आपका करंट अफेयर आता है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो जो कि सागरमाला कार्यक्रम से है, जो कि 10 अप्रैल 2023 को सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्ट अब पॉलिसी पर एक मसौदा जारी किया गया था। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था कब हुआ था? 2015 में ये शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये भी करंट अफेयर से है। तो इंडिया इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज बींग बिल्ट इन दिस स्टेट। तो ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से थर्ड मैन किस खेल से संबंधित है? थर्ड मैन जो होता है सबको पता है वो कौन से खेल से संबंधित होता है? क्रिकेट से ये संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन में है, सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? सबको पता है सात्रिया या सत्रिया हम बोलते हैं, तो ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? सात्रिया, सात्रिया आपको पता है कि असम का है, और असम कहाँ पड़ता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ये किया जाता है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज तुगलक जो थे वो सुल्तान थे जो कि अशोक स्तंभ को कौन दिल्ली लेके आए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अशोक स्तंभ जो था, फिरोज शाह तुगलक जो थे, वो अशोक स्तंभ को किस नाम से बुलाते थे? तो वो उसे गोल्ड पिलर के नाम से बुलाते। ध्यान रखेंगे, जो अशोक स्तंभ था वो उसे, जो फिरोज शाह तुगलक था वो गोल्ड पिलर के नाम से जो था वो बुलाता था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक का अगर जन्म आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो 1309 में हुआ था। कहाँ पर? पाकिस्तान में दीपालपुर में। ये इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि टेरिटरी सेक्टर के अंदर कौन आता है? तो वो आता है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानांतरित करने से संबंधित है, यानी कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द ट्रांसफरिंग प्रोडक्ट टू द रिस्पेक्टिव शॉप। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये तृतीयक श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, जिसमें हमने करंट अफेयर भी किया, साइंस के क्वेश्चन भी, और जीके क्वेश्चन भी यहाँ पर अटेम्प्ट करे। तो जो भी कैंडिडेट आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसके कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी तरह के और सेशन के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।